ये घूमी 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 घूम के वापस ये ऐसे एक सर्कस मूवमेंट की ऐसे गोल एक मूवमेंट की और वापस इसी पॉइंट के अंदर री एंटर कर है और दोबारा इसी पॉइंट को स्टेमुलेट कर दिया तो री एंट्रेंट सर्कस मूवमेंट होती है जिस पॉइंट से इंपल्स स्टार्ट हुई स्टिमुलस स्टार्ट हुआ एक्टोपिक स्टिमुलस स्टार्ट हुआ वो घूम के सारे एट्रिया को डीपोलराइज करने के बाद वापस फिर से उसी पॉइंट को आके दोबारा रीएक्साइट कर देगा इसे कहते हैं री एंट्रेंट सर्कस मूवमेंट ठीक है तो बार बार वो री एंट्रेंट सर्कस मूव गोल गोल घूम घूम के हो ही जा रही है और वही पॉइंट दोबारा स्टेमुलेट हो जा रहा है तो ये सेल्फ एकस, फिन ठीक है थीके? अब इस तरह कार्डिया चलता रहेगा अब इसकी ईसीजी में क्या चेंज आएगी ईसीजी में अगर आप गौर करो तो पहली बात जिस तरह के हमने पीछे प्रीमे कॉन्ट्रेक्शन पढ़ी थी ना ठीक है क्या थी कि एट्रिया या वेंट्रिकल अपने वक्त से पहले प्रीमेली कॉन्ट्रैक्ट कर गया है एक बार। कि उसमें भी ऐसी, ऐसी तो टॉपिक फोकस है उसने एकदम सी एक इंपल्स जनरेट कर दी और सारे एट्रिया को कर दिया और वही इंपल्स आगे एवी बंडल के थ्रू वेंट्रिकल में भी पहुंच गई मगर वो एक बार ही होती थी इसमें ये टैकी कार्डिया हार्ट रेट इंक्रीज कर दिया वो बार बार इंपल्स आई जाएगी इसमें प्रोक्सिज्म बार बार होता है जो दूसरी थी प्रीमे कॉन्ट्रेक्शन वो एक आध बार ही होती है ठीक है अब इसकी और उसकी इसी चीज में काफी सिमिलरिटीज होंगी सिमिलर है उसमें भी एक टॉपिक फोकस था सेम स्कीमेशन ड्रग्स की वजह से इसमें भी एक टॉपिक फोकस था अब गौर करो यहां से अगर इंपल्स जनरेट होगी तो क्या होगा पहली बात तो इंपल्स नीचे जाएगी और वो इम्पल्स एवी बंडल में चली जाएगी और वेंट्रिकल को डीपोलराइज कर देगी तो इसमें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आएगा ये यह देखिए यहां तक तो नॉर्मल बीट चल रही थी पी क्यू आर एस टी पी क्यू आर एस टी पी क्यू एस टी अब यहां से जाके ना ए, यहां पे बेसिकली इस पॉइंट पे यहां से एक टॉपिक फोकस आ गया ठीक अब उस एक टॉपिक फोकस साहब ने क्या करना है नंबर एक तो वो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स तो बिल्कुल नॉर्मल ही निकालेगा या हल्का फुल्का चेंज हो जाएगा

जो नॉर्मल एट्रिया में डायरेक्शन थी पल्स की ऊपर से ऐसे नोट से नीचे की तरफ आने की वेंट्रिकल में वो डायरेक्शन जो है अब यहां से ऊपर भी 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 जाएगी भी जाएगी साइड पे इधर भी आएगी तो क्या होगा कि पी वेव वेव जो पॉजिटिव होती थी अगर यहां पे लीड है ये देखो ये लीड वन की हुई लीड वन इस साइड पे लगी होती है आपको पता है ना लीड वन इस साइड पे लगी होती है अब लीड वन में जब जैसी एट्रियल डीपोलराइजेशन होगी तो लीड वन में क्या वेव आनी चाहिए पी वेव क्या पॉजिटिव आनी चाहिए नेगेटिव आनी चाहिए <coughs> सॉरी जब यहां से करंट इस तरफ को जाएगा यहां से करंट इस तरफ को जब जाएगा डीपोलराइज करने इस तरफ को जब जाएगा डीपोलराइज करने तो पी वेव नेगेटिव हो जाएगी लीड वन में ये देखो पी वेव पी वेव पी वेव नेगेटिव 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 पी पी तो प्रोक्सिमल वे क्यू आर एस तकरीबन नॉर्मल होता है थोड़ा बहुत फर्क होता है पी वेव नेगेटिव हो जाती है अच्छा अच्छा दूसरी बात कि ये चूंकि एक टॉपिक फोकस है तो ये अपने टाइम पे एट्रियल डीपोलराइजेशन नहीं कराता अपनी मर्जी से करा देता है। ये वक्त से पहले ही करा देता जस्ट लाइक प्रीमे बीट्स तो इसलिए अभी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की ventricular repolarization हो ही रही होगी। टी वेव बन ही रही होगी कि अगली पी वेव आ जाएगी तो इसमें क्या होगा पी वेव पहले से आने वाले टी वेव के ऊपर चढ़ जाएगी ये देखो ये आई टी वेव, ये टी वेव है। और इसके फौरन ही बाद बिल्कुल साथ जुड़ी हुई पी वेव आ गई तो अभी प्रॉपर रिपोलराइजेशन हुई नहीं थी वेंट्रिकल की के एट्रिया की डिपोलराइजेशन का टाइम आ गया इनवर्टेड पी वेव बन गई टी वेव भी साथ ही इनवर्टेड पी वेव आ गई तो वो जो टाइम बीच में गैप होता है टीपी सेगमेंट में वो गैप ही कोई नहीं क्योंकि ये तो जनाब साहब बड़ी जल्दी आ गए तो होता क्या है जी इसमें हार्ट रेट अराउंड नाइनटी टू वन बीट्स पर मिनट हो जाता है टी वेव इन्वर्ट हो जाती है पी वेव ओवरलैप कर जाती है टी वेव को और पी वेव की शक्ल भी थोड़ी सी एबनॉर्मल हो जाती है थोड़ी सी एबनॉर्मल हो जाती है ठीक है तो ये तो था हमारा एट्रिय प्रोक्सिमलटा की गाड़िया अब भाई इसको ट्रीट कैसे करें अभी तो मसला पड़ गया ट्रीट हम करते हैं वेगल रिफ्लेक्स से या अगर हम इस सारे हार्ट की पैरासिंपथेटिक सप्लाई को बढ़ा दें तो जाहिर बात है वो जिस तरह बाकी पार्ट्स को इनहेबिट करता है वो इस टॉपिक फोकस को भी इनहेबिट करेगा और इस एट्रियल प्रोक्सिमल गाड़ियों को रोकने की कोशिश करेगा वेगल रिफ्लेक्स किस तरह करते हैं अब अब खुद से तो नहीं हम अपने पैरासिपेटिक सिस्टम को कहेंगे कि भाई एक्टिवेट हो जाओ वेगल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर दो उसका एक तरीका होता है उसका तरीका वही होता है कि मैंने आपको बताया था कि केरोटेड ब्लड वेसल्स के अंदर बेरो रिसेप्टर्स होते हैं बेरो रिसेप्टर्स का मतलब प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं नेक में जो करोटेड ब्लड वेसल्स हैं जो कि सेंस करती हैं कि ब्लड प्रेशर कितना हो गया ठीक है और आपको मैंने बताया था कि अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो वो ज्यादा स्ट्रेच हो जाए वो केरोटेड वेसल्स तो वो हार्ट रेट को स्लो करा देती है बाय स्टिमुलेशन ऑफ नर्वस सिस्टम ठीक है अब हमने क्या करना है अगर हम खुद से उसे मैनुअली स्टिमुलेट कर दें रोटेड वेसल्स को या केरोटेड रिसेप्टर्स को तो फिर भी पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और हार्ट रेट को स्लो करा देगा है ये मतलब क्या मैनुअली खुद से मैनुअली केरोटेड रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर दें इसका क्या मतलब हुआ अगर आप अपनी नेक के ऊपर फॉर इंस्टेंस इज यूं करते रहे तो नीचे फॉर इंस्टेंस इज द नेक ठीक है ऊपर रही है उसके अंदर रिसेप्टर है प्रेशर रिसेप्टर है अगर आप खुद से फिंगर से ऊपर मैनुअली यू नेक के ऊपर हल्का हल्का प्रेशर डालते रहे तो नीचे जो ब्लड वेसल पड़ी हुई है जो बेरो रिसेप्टर पड़ा उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा ना और उसे क्या पता ये फिंगर से प्रेशर आ रहा है ब्लड से प्रेशर आ रहा है वो रीड करेगा कि ओ ये तो लगता है बड़ा ज्यादा प्रेशर आ गया ब्लड वेसल के अंदर ठीक है तो जैसे ही ब्लड वेसल के अंदर वो ज्यादा प्रेशर रीड करेगा तो साथ ही वो मैं में, में सिग्नल भेज देगा ब्रेन स्टेम में सिग्नल भेज देगा के पैरासिपथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर दे वेगस नर्व के थ्रू इंपल्स ज्यादा भेजे हार्ट को तो इसे कहते हैं वेगल रिफ्लेक्स और वो जब वेगस नर्व वेगस नर्व से यानी कि पैरासिपेडिक नर्व वेगस नर्व से हार्ट को इंपल्स जाएगी तो हार्ट रेट स्लो हो जाता है कंडक्शन स्लो हो जाती है और उसी में ये एक्टोपिक फोकस को एकबिट कर देगा तो इसे कहते हैं वेगल रिफ्लेक्स बड़ा जबरदस्त मेन्यूवर है इमरजेंसी में क्यों पेशेंट आता है इस तरह किसी को चल रहा हो तो हम इमीजिएटली क्या करते हैं कोई भी ड्रग दे, देने से पहले उसकी नेक को इस तरह इस तरह इस तरह रब करना शुरू कर देते हैं एट द लेवल ऑफ क्रोटेड ब्लड वेसल्स ठीक है सो so, यू वेगल मेन्यूवर है ठीक है तो इससे वेगल रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है अच्छा दूसरा

तो वेंट्रिकल से ऊपर क्या पड़ा हुआ, पड़ा हुआ? तो है वेंट्रिकल से ऊपर एट्रियल और वेंट्रिकल से बेसिकली जहां पे एट्रिया एंड हो रहा होता है ठीक है और वेंट्रिकल स्टार्ट होने लगते हैं वहां पे एवी नोड पड़ा होता है तो अगर एवी नोड भी कोई प्रोक्सिजल टेकिकार्डिया दे तो वो भी सुपरा वेंटिकुलर टेकी में आएगा इसे कहते हैं एस वी टी सुपरा वेंटिकुलर टेकी ये भी बड़ा कॉमन है अक्सर नॉर्मली भी हो जाता है ठीक है कोई भी चाय कॉफी लेने से ये हो जाता होता है सुपरावेंटिकुलर टैकी कार्डिया तो अगर पूछे सुप्रवेंटिकुलर टेकारिया कौन से दो चीजें आती है तो आपने कहना है एट्रियल प्रोक्समल टेकि एंड एवी नोडल प्रोक्समल टैकी ठीक है अब एवी नोडल प्रोक्समल टेकी की क्या किस तरह की ईसीजी होगी सिंपल सी बात है एवी नोड अगर इम्पल्स जनरेट करेगा तो वो एम्पल्स सीधी चली जाएगी आगे एवी बंडल में और नॉर्मल क्यू आर कॉम्प्लेक्स आ जाएगा तो एवी नोडल टैकी गाड़िया में होगा तो टैकी गाड़िया हार्ट रेट ज्यादा होगा जिस तरह ये देखो हार्ट रेट बड़ा ज्यादा हो गया पहले ये नॉर्मल हार्ट रेट था फिर एकदम से देखो यहाँ तीन बॉक्सेस यहाँ दो दो बॉक्सेज तो होगा तो हार्ट रेट ज्यादा मगर नॉर्मल क्यू आर कॉम्प्लेक्स के साथ होगा अच्छा तो नॉर्मल क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स था तो, तो पी वेव का क्या बनेगा पी वेव का क्या बनेगा

सेम एक टॉपिक फोकस बन जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर अब जब वेंट्रिकल्स के अंदर बनेगा तो ये भी काफी सिमिलर कंडीशन है प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर टेकी जैसे अब प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर टेकी क्या था वो ये था यू रिमेंबर पिछले लेक्चर मैंने पढ़ा था प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर टेकिकार ये था ना एक प्री मेच्योर फोकस बन गया यहां पे उसने एक आधी बीट प्रीमेली एक आधी बीट दे दी है

तो इसमें वाइड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स था हाई वोल्टेज क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स था टी वेव वेवर्टेड थी तो एग्जैक्टली exactly यही चीजें यहां आएंगी वाइड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हाई वोल्टेज क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स टी वेव वेवर्टेड भाई क्यों क्यों एक टॉपिक फोकस है वेंट्रिकल में क्यों वाइड आ रहा है सेम फिनना कॉजेज भी सेम है फिनोमिना भी सेम है ठीक है बस इसमें बार बार आती है उसमें थोड़े से गैप के साथ आती है कोई आ गई फिर नहीं है। इसमें बार बार आई जाएंगी जितना से फर्क है सेम जब कोई नॉर्मल पाथवे के अलावा आम मसल्स कंडक्ट करते हैं इम्पल्स एंड वेंट्रिकल तो टाइम डिले होता है जिसकी वजह से क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वाइड जब इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ इंपल्स इक्वली नहीं जाएगी तो कैंसिलेशन भी नहीं होगी जिसकी वजह से वोल्टेज ज्यादा आ जाएगा और तीसरी बात टी वेव इन्वर्ट हो जाएगी क्यों बिकॉज एपेक्स जो है वो पहले रीपोलराइज होने की पहले डीप सॉरी रीपोलराइज होने की बजाय लेट रीपोलराइज होती है ठीक है द सेम टी वेव इनवर्जन वाला जो फोन है तो इसमें भी क्योंकि वेंट्रिकल की बात हो तो नो पी वेव इनवर्टेड टी वेव वाइड एंड हाई वोल्टेज क्यों कॉम्पलेक्सेज और सेम स्कीमिया और इन्फ्लेमेशन वगैरह ट्रिगर करेंगी मगर एक बात हमेशा याद रखनी है लाइफ में प्रैक्टिकल बात है नॉट थ्योरेटिकल वो ये है कि वेंट्रिकल का कोई भी पंगा है ना मैंने पहले ही बताया था बार बार बता रहा वेंट्रिकुलर टैकी कार्डिया है उन सारों को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना है और फौरन उनका हल करना है क्यों नहीं तो वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हार्ट फटफड़ाने लग जाता है वेंट्रिकुलर में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर मीन्स नो ब्लड मूविंग फॉरवर्ड ठीक है एंड वी आर गोइंग टू ट्रीट इट अगेन विद एंटी एरिथमिक drugs.